हम लोग के पाठ्यक्रम में आपने अपने पुस्तक में देखा होगा कि कुछ तो चार यूनिट तक आपके प्रमुख पाठ्यक्रम के शीर्षक हैं और उस विषय पर आपने अध्ययन किया। उसके बाद आपका पांचवा यूनिट द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ का तात्पर्य क्या होता है, आपने पूर्व में अपनी बारहवीं कक्षा में भी देखा होगा, जब हम पढ़ते पढ़ते साहित्य से थक जाते हैं और हमारे मन को कुछ हल्की फुल्की बातें सुनने का मन करता है तो उसके लिए द्रुत पाठ डाले जाते हैं, जिसको पढ़कर हम न केवल कबीर, तुलसी और जैसी को जाने, वरन उन कवियों को भी जाने जिनके द्वारा साहित्य में अपना सहयोग प्रदान किया गया है। इसी तरह हम अमीर खुसरो जी को देखते हैं। अमीर खुसरो जी 14वीं शताब्दी के कवि थे और उन्होंने अपनी बातों को व्यंग में या मुकरियों में या ढकोसले में कहा। ढकोसला कहते हैं पाखंड को, मतलब जो हम नहीं करना चाहते पर हम दिखावा कर रहे हैं उसको, लेकिन ये इनका ढकोसला ऐसा नहीं था। इनका तात्पर्य था कि ये जो कहते हैं वो उदाहरण देकर कहते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिसमें उनको हंसी भी आती है। कवि अमीर खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे, उनकी भाषा अप्रतिम थी, उनका अधिकार था। फारसी काव्य में के लालित्य को उन्होंने और जितनी भाव व्यंजना है वो सब उन्होंने अमीर खुसरो ने अपने काव्य में लिया, इसलिए उनको हिंदी की तूती भी बोलते हैं, मतलब उनकी तूती बोलती है। 14वीं शताब्दी में जब मुगलों के आक्रमण से लोग परेशान हो गए थे, थक गए थे, तो वो अपनी छोटी छोटी मुकरियाँ कहकर लोगों का मन बहलाते थे। उनको हिंदी की रचनाएँ भी उन्होंने की और आज हम जब देखते हैं तो बहुत सी हमारी भाषा उनकी भाषा हिंदी जो है आजकल जो खड़ी बोली चल रही है उसके बहुत समकक्ष है। हिंदी में काव्य रचना करने वालों में अमीर खुसरो सर्वप्रथम है। उनके नाम से पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो सुखन और कुछ गजलें प्रसिद्ध हैं। उनके स्फुट पद, गीत और दोहे आगे चलकर निर्गुण मार्गी संतों के आधार बन गए। शताब्दियों के बाद हिंदी में के जनक भारतेंदु हरिश्चंद ने प्रकारांतर खुसरो की परंपरा को पुनर्स्थापित किया और खुसरो के हिंदी काव्य रचना को परिवर्तित रचनाकारों के लिए अपना आदर्श बना लिया। खुसरो के हिंदी काव्य रचना की प्रमुख विशेषता है लोक रंजन सहित लोक मंगल। मैंने आपको पहले ही कहा कि हिंदू जो थे वो मुगलों के आक्रमण से, उनकी कटुता से इतना त्रस्त हो गए थे कि उनके अवसाद को, अभी जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि लोग अवसाद में जा रहे हैं, ऐसे ही उस समय हिंदी साहित्य के लोग जो हैं या हिंदी प्रेमी जो हैं वो अवसाद में थे। तब खुसरो ने अपनी वो कविताएं लिखी जो लोक रंजक और लोक मंगलकारी थी। उनकी काव्य की रचना बीच उत्पन्न लोगों के मन में जो कटुता थी, संदेह था, भ्रम था, भय था, उसको दूर करने के लिए उनमें उन्होंने समरसता, सौहार्द लाने का प्रयास किया और उपयुक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास किया कि मेरे इस काव्य को पढ़ के संभवतः जो इनके मन में कटुता आ गई है वो दूर हो जाएगी। उन्होंने नवीन आकांक्षाएं, इच्छाएं, साहसी भावनाओं का संचार करने का प्रयास किया। जैसे दाम्पत्य जीवन में उदाहरण देकर उन्होंने जीवन की आध्यात्मिक पक्ष को बड़े सुंदर से रखा। खुसरो रैन सुहाग की जागो पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। उन्होंने कहा कि आज आप अवसाद में हैं, रैन सुहाग की ये हमारी मिलन की रात्रि है और हमको जागना और सोना दोनों पति के साथ है और हम कैसे हो जाएं, हम इतने एक दूसरे के प्रेम में लीन हो जाएं कि हम दोनों एक रंग में दिखने लगे। भारत महिमा एवं भारत प्रेम, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा अवसाद था कि वो डर गए थे कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब हम हर समय पराधीन रहेंगे और अपनी रचना जो नौ सिपाही है उसमें उन्होंने भारतवर्ष की महिमा का गान किया, अपने देश भारत के प्रति प्रेम भावना की अभिव्यक्ति किया। उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने भारतवर्ष के विज्ञान, जलवायु, पशु पक्षी, संगीत आदि की सभी विशेषताओं का वर्णन अपनी मुखरियों में किया है। भक्ति भावना, खुसरो की भक्तिभावना सर्वत्र उदारता एवं सहिष्णुता की झलक थी। वे ईश्वर के आराधक भी थे, भक्ति के सभी मार्गों को वह पवित्र मानते थे, सच्चे सूफी मुसलमान थे। उनका मत है कि प्रेम ही जीवन का मुख्य तत्व है, लेकिन मूर्ति पूजा करने में भी कोई विरोध नहीं है। ना उन्होंने निर्गुण का को बहुत महत्व दिया, ना सगुण का उन्होंने अपमान किया, उनमें समरसता थी।
भारतीय संगीत के प्रेमी अमीर खुसरो भारतीय संगीत से गहरा लगाव था, इसलिए भारतीय संगीत के क्षेत्र में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा प्रयोग और उदारवादी दृष्टिकोण, खुसरो बहुभाषाविद थे, उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रज का अत्यंत ज्ञान था। हिंदुस्तानी, जो आज हम हिंदी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, वही हिंदुस्तानी उन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग की थी। भाषा वैशिष्ट, अमीर खुसरो के समय में हिंदी की खड़ी बोली प्रचलित थी। उन्होंने जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं के माध्यम से आकृति के तारों का सुंदर वर्णन खड़ी बोली में किया। उनकी भाषा कौशल एवं प्रकृति प्रेम स्पष्ट प्रकट होता है। एक थाल मोती भरा, अब इसे आप पहिए देखिए इनकी पहेली, एक थाल मोती भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे मोती उसमें एक ना गिरे। बच्चों के लिए पहेली है जो हम लोग अभी अपने घर में भी सुनते हैं, और आकाश पर सजे हुए तारों का वर्णन अपने पहेली के द्वारा खुसरो ने बच्चों में कौतूहल, प्रेम और जो अवसाद था, घुटन थी, उसको दूर करने के लिए ऐसी पहेलियाँ लिखी। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं, हमने आपको बताया था खुसरो ने ढकोसला और मुकरियाँ भी लिखी। ढकोसला का प्रसिद्ध अर्थ है पाखंडिया या आडंबर, लेकिन खुसरो की विशेष प्रकार की कविता को ढकोसला कहते हैं। इसकी यह विशेषता है कि जिसका कोई अर्थ ना हो, इतना बेतुका हो कि लोग हंसें और साहित्य का आनंद लें। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी गाल बजाए, ढोल बजाए। तो ये मुकरियाँ हैं। मुकरने का अर्थ है इनकार करना। प्रायः लोग कोई बात कहते हैं, सखी सहेली मारी नहीं, मैंने कब कहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। तो इस तरह से खुसरो ने तत्कालीन लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए, अवसाद से दूर हटने के लिए, आपस में चंचलता लेकर कार्य करने के लिए, हंसी मजाक और प्रश्नोत्तर की शैली में बातचीत करने के लिए ये खुसरो ने प्राचीन काल में प्रचलित प्रथा को अपना लिया। हिंदी, अरबी, ब्रज भाषा आदि के मिले जुले प्रयोग से मुकरियों की भाषा सरल और सुंदर बन गई। उदाहरण के लिए, जो मेरे मंदिर आवे सोते मुझको जान जगावे, फड़त फिरत वह बिरह के अक्षर, हे सखी साजन नहीं सखी मच्छर। देखा आपने कितना अच्छा है, क्या प्रकृति, जो तुमको आके जगा रहा है वो तुम्हारा पति है? नहीं नहीं, वो तो सखी मच्छर है जो मेरे नींद से मुझे जगा गया। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो असाधारण सफलता के प्राप्ति की है। उन्हीं असफलता अपने लोकोत्तर सृजनात्मक प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण प्राप्त हुई है। सांस्कृतिक समन्वय की भावना एवं साहित्य साधना का मूल मंत्र है। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो एक महामानव थे जो अपने उत्कृष्ट कृतित्व, असाधारण व्यक्तित्व एवं सदैव हिंदी साहित्य के देदीप्यमान रहेंगे। धन्यवाद। We'll be right back.